सिर्फ दो लवंग का चमत्कार देखिएगा। जैसे ही इसको अपने मुख में रख करके यह दो शब्द बोल दीजिएगा, सामने वाला कोई भी स्त्री होगी पल भर में आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। बिछड़ा हुआ प्यार पल भर में आपको मिल जाएगा। वो स्त्री हजार किलोमीटर दूर भी बैठी रहेगी ना, तो वो खुद चलकर आपके पास में आ जाएगी। देखिए, वो सिकरन करने के लिए, आपको मैं बता दूँ, वो सिकरन करने के लिए और किसी लड़की को पटाने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए, वो सिकरन को सबसे पहले समझना जरूरी है मेरे भक्त लोग। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए। भगा भगा कर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और जैसे ही इसको समझ लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि आप दुनिया के किसी भी स्त्री को पल भर में अपने वश में कर सकते हैं। सिर्फ दो लवंग को अपने मुख में रख लीजिए और मैं जो चीज़ बोल दूंगा, बता दूंगा, उसको बोल दीजिएगा, उसी समय तुरंत यह असर शुरू हो जाएगा और सामने वाला आपके वश में होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। तो आइए हम बतलाते हैं आपको कि सिर्फ दो लवंग ही लेना है और किसी भी लड़की को आप अपने वश में कैसे कर सकते हैं। देखिएगा मेरे भक्त लोग, आपको मालूम होगा जो ऋषि मुनि थे पहले के, कैसे कभी किसी लड़की के पीछा घूमते थे क्या कि हाँ तुम मेरे वश में हो जाए, हम तुम्हें पटाना चाहते हैं, तुम हमसे प्यार करो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं मेरे भक्त लोग। सब वशीकरण का कमाल है, चमत्कार है, और सिर्फ वशीकरण का ये चमत्कार है। और उसी में से मैं के दो लवंग का वशीकरण टोटका आप सभी को बताने वाला हूँ कि सिर्फ दो लवंग से ही, बिना स्त्री के पीछा किए ही, आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि सिर्फ पल भर में ही, मानिए कि एक घंटे के भीतर में यह असर शुरू कर देता है। बस करने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए और सही विधि मालूम होना चाहिए, कब करना है, कैसे करना है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आइए बतलाते हैं। देखिएगा, आपको मंगलवार के दिन ही यह टोटका करना है, ठीक है ना। दो लवंग ले लीजिएगा, ठीक है ना। जिस स्त्री को आप अपने वश में करना चाहते हैं, देखिए वो सिकरण बहुत प्रकार के होता है मेरे भक्तों। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कोई लड़की आपके राह में जा रही है, चाहे आप कहीं पे देखे हैं, कोई लड़की है, कुंवारी है या शादीशुदा महिला है, आप उसको वश में करना चाहते हैं, नई लड़की है, पहले से उससे जान पहचान नहीं है, आप उसको अपने वश में करना चाहते हैं, बिछड़ा हुआ प्यार है, उसके लिए भी बताएंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है ना। देखिएगा, कोई नई लड़की है जिससे आपको जान पहचान नहीं, आप चाहते हैं कि उसको अपने वश में कर ले, कभी बात भी नहीं की है, तो अचानक कैसे वश में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसका प्रयोग कर दीजिए। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, दो लवंग ले लीजिएगा, ठीक है ना, दो लवंग ले लीजिएगा, उसके सामने आप चले जाइएगा, ठीक है ना, करीबन से करीबन एक दो फीट, ठीक है ना, आप डिस्टेंस में रहिएगा एक दो फीट के, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इस दो लवंग को क्या करना है, अपने मुख में रख लेना है। अगर सामने में कोई स्त्री है उसको वश में करना है, उसके लिए हम बता रहे हैं, और कोई धोखा देकर चली गई है, प्यार में धोखा दे दी है, उसके लिए भी बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए मेरे भक्त लोग, सब्र का फल मीठा होता है। देखिएगा, यदि सामने वाला का स्त्री का वशीकरण करना चाहते हैं, पुरुष का वशीकरण करना चाहते हैं, तो उसके करीबन करीबन एक से दो फीट अगल बगल में आप रहिए, ठीक है ना, एकदम हो सके तो सामने रहिए, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, दो लवंग को आपको क्या करना है, अपने मुख में रख लेना है, ठीक है ना, मुख में रखना ना, जीभ के ऊपर, ठीक है ना, और दोनों जो फूल वाला भाग है ये बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, बाहर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, जो मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र का प्रयोग आपको क्या करना है, अपने मन में ही क्या करना है, 108 बार पढ़ देना है, और उसके बाद में हवा में फूंक मार देना है, यानी कि जो लड़की जहाँ पे खा रहा है उसके तरफ क्या करेंगे, हवा में 7 बार फूंक मार देंगे, बस चमत्कार देखिएगा, पल भर में वो स्त्री आपके वश में होना शुरू हो जाएगी। देखिएगा, मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों, ओम काम देवाय नमः, बहुत ही आसान मंत्र है। कामदेव वशीकरण के गुरु थे और पल भर में, सेकेंडों में ही किसी भी स्त्री को अपने वश में कर लेते थे, और उन्हीं का ये शक्तिशाली ये मंत्र है, ओम काम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको मन में ही 108 बार उच्चारण करना है, उसके बाद उस लड़की का नाम आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, आपको हवा में फूंक मार देना है। उसके बाद में चमत्कार देखिए, धीरे धीरे बस देखते रहिए, आप उसके आसपास में घूमते रहिए कभी कभी, ठीक है ना, वो स्त्री खुद आपसे बात करेगी, उसके दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार भर जाएगा। और जो स्त्री आपको प्यार में धोखा देकर चल गई है, एकदम आपसे बात ही नहीं करती है, पहले बात करती थी बहुत सालों से, लेकिन अब कुछ महीनों से आपसे बात नहीं करती है, एकदम नंबर ब्लॉक कर दी है, साफ एकदम बात करने की राजी ही नहीं होती है,
तो आप इसका प्रयोग इस प्रकार से कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। दो लवंग को ले लीजिएगा, अपने मुख में ले लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे बताया है दोनों लवंग का फूल आगे की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ। उसके बाद में आपको पूरब और दक्षिण का जो कोण होता है उसी दिशा की ओर घूम करके आपको क्या होना है, बैठ जाना है। अपने सामने एक दीपक जला देना है, दो चार अगरबत्ती जला देना है। उस कोण में वशीकरण का गुरु होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसी कोण के तरफ यदि घूम के कोई भी वशीकरण टोटका करते हैं तो ज़्यादा ये फल देगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अपने मुख में रख लेना, अपने सामने दीपक जला लेना है, उसके बाद में अगरबत्ती जला लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भक्त। उसके बाद में आपको करना होगा उस लड़की का नाम लेकर, पहले से जब बात करते थे तो उसका नाम मालूम होगा ही आपको, तो उसका नाम अपने मन में लेना है, उसका चेहरा अपने मन में बसाए रखना है। और उसका नाम लेते लेते आपको इस प्रकार से मंत्र को बोलना है, ध्यान से देखिएगा। मन में ही बोलना है, आवाज निकाल कर नहीं बोलना है, मन में ही बोलना है, ओम काम देवाय नमः। उसके बाद में उस लड़की का नाम बोल देना है, ठीक है ना। और मन में उसका फोटो एकदम इमेज बनाए रखेंगे, मन में एकदम ध्यान में, ठीक है ना, इमेज उसका बनाए रखेंगे, ठीक है ना। और ओम काम देवाय नमः, फिर लड़की का नाम लेंगे, ओम काम देवाय नमः, फिर लड़की का नाम लेंगे, ओम काम देवाय नमः, और मन में इमेज बनाए रखेंगे उस लड़की का, ठीक है ना। इस प्रकार से 501 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। और दोनों लवंग को क्या करेंगे, इसके ऊपर काले धागे 7 बार लपटेंगे, 7 बार लड़की का नाम लेंगे और इस पर 7 बार फूंक मार के इसको क्या करेंगे, अपने पॉकेट में या वॉलेट में रख लेंगे, पर्स में रख लेंगे, ठीक है ना। और आपको पूरा विश्वास के साथ में आपको उस स्त्री के सामने 24 घंटे के बाद आपको जाना है, ठीक है ना। आपको उसके सामने जाना है और अपनी दिल की बात दोबारा रखें, मैं दावा करता हूँ वो ना नहीं बोलेगी, वो आपसे फिर दोबारा बात करना शुरू कर देगी और ज़िंदगी में कभी भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यह इतना पावरफुल वशीकरण टोटका है मेरे भक्तों कि हमारे पास डेली यानी कि 300 लोग, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन 300 लोगों का हम फिक्स यानी कि हम वशीकरण करते हैं फ्री में, ठीक है ना। और जिनमें से मानिए कि 100-150 लोगों का वशीकरण हम तो इसी लवंग के द्वारा ही कर देते हैं, और बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आसान है। देखिएगा, हम लोग सीधी व्यक्ति हैं, जो इंसान करते हैं उनसे नहीं हो पाता है तो हम ही कर देते हैं, हम अपने तरफ से कर देते हैं, तो सिर्फ आधे घंटे एक घंटे के भीतर में ही उन लोगों का वशीकरण हो जाता है। बहुत ही पावरफुल तेज़ी में वशीकरण होता है। जो लोग हमारे बारे में जानते हैं वो लोग बहुत दूर दूर से भी चलकर हमारे पास आते हैं, विश्वास के साथ में आते हैं और अपना अपना प्यार पाकर जाते हैं। यदि मेरे भक्त लोग, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। धन्यवाद मेरे भक्तों। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।